हाँ तो बच्चा पार्टी ये बताओ कि तुम लोगों ने ट्राई मार लिया? बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने कुछ ना कुछ तो लगाया होगा, ठीक है। अब सुनो, ये वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कल हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं। पहले आप लोग हमें रिस्पॉन्स देंगे, कुछ बातें हम लिखेंगे और आप उसको बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। चलो, मैंने कल आपको ब्रेकअप के बारे में जानकारी दी थी, बोलिए हाँ या ना। चलिए बताइए कौन सा ब्रेकअप है? बहुत बढ़िया। चलिए बताइए ये कौन सा ब्रेकअप है? मंझला ब्रेकअप। या इसी को क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, कर्ली ब्रेकअप। बहुत अच्छे। चलो ये बता दो, इसका मतलब कर्ली ब्रेकअप ओपन, कर्ली ब्रेकअप क्लोज। वेरी नाइस। चलिए बताइए ये क्या है? राउंड ब्रेकअप। राउंड ब्रेकअप किसी को छोटा ब्रेकअप भी कहते हैं। राउंड ब्रेकअप ओपन, राउंड ब्रेकअप क्लोज। एक ब्रेकअप आपको और बताए थे, एक ऐसे जो होता है लाइन ना, रेखा पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। अगर अच्छा ये बताओ बच्चा पार्टी की, अगर ये सारे के सारे एक साथ आ जाए, सारे के सारे एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। यानी कि तुमको ये नॉलेज है, ये जानकारी तुमको है, इसका मतलब हमें इस पे बात नहीं करनी है, हमें इस पे बात नहीं करनी है। अब बात ये आती है कि भाई जिसको जोड़ घटाओ गुणा भाग या वर्ड मॉस का नियम तुम्हें बताए थे ना, अगर वो नहीं आता तब फिर आपसे एक भी सवाल नहीं लगे। बात कर रहे हैं नवोदय की तैयारी, भाई नवोदय की तैयारी में कहने को तो कक्षा पांच तक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन कक्षा पांच में है? नहीं होते। लेकिन नवोदय की बुक में है, तो हमको इसकी तैयारी करनी है कि नहीं? करनी है। बोलो भाई, करनी है। तो करनी है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात? आप भले ही कक्षा पांच में, लेकिन आपको छह सात आठ की मैथ आनी चाहिए। तो चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात तो ये एक आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है? 18 माइनस स्क्वायर ब्रेकेट या बड़ा ब्रेकेट कहिए ओपन, फिर 8 डिवाइड बाई या 8 भागे 2, फिर मझला ब्रेकेट जिसको आप लोग कर्ली भी बोलते हो ओपन, उसके बाद राउंड ब्रेकेट ओपन या छोटा ब्रेकेट ओपन, 8 भागे, फिर 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 के ऊपर रेखा पोस्टर या लाइन ब्रेकेट, ओके। उसके बाद देखिए ये राउंड ब्रेकेट क्लोज, कर्ली ब्रेकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज। तो मेरे ख्याल से ये पढ़ने का स्टाइल सबको आ गया, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं होता भाई, समझ का फर्क होता है। अगर आप समझ ले गए तो हिंदी में भी वही बातें निकल के आती हैं, अंग्रेजी में भी वही बातें निकल के आती हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी में फर्क कुछ नहीं होता है, और आपको पता है केवल फर्क किसका होता है? किसका होता है? केवल चीज का फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। चलो इधर आओ, अब एक एक चीज आपको सीखनी है। चलिए इधर आइए। सबसे पहले हम कहां पहुंचेंगे? छोटे ब्रेकेट में, और छोटे ब्रेकेट में क्या क्या है? रेखा, बार। तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, बोलो हाँ ना। चलो यहां तक पहुंचते हैं, पहले अपनी गाड़ी देखिए, 18 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लगाए ब्रेकेट, यहाँ पे आ गए। अच्छा ये बताओ, छोटे ब्रेकेट के अंदर में आ गए, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? बार वाले को। बार बोलिए, रेखा बोलिए, लाइन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसको कर लो मेरे भाई, कितना होगा? 4 दूनी 8, यानी यहाँ मेरा 8 भागे 8। अभी आपको हम शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या मतलब तुरंत लगाने का तरीका भी बताएं, ये टेंशन ना लीजिएगा। फिर से आइए और इनको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 18 माइनस उसके बाद 8 भागे 2, कर्ली ब्रेकेट लगाइए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, बाकी चीजें वैसे ही उतारते चले जाए। ये बहुत सिंपल होता है। आपको क्या करना है, जैसे आप थाली रखी रहती है, थाली तो आप क्या करते हो, सारा उठा के साथ खा लेते हो क्या? नहीं, एक एक खाते हो ना यार। और ऐसा थोड़ी है, अगर दाल चावल रोटी सब्जी रखी है तो ऐसा थोड़ी कि सबसे पहले दाल उठा के पी ले पूरा, ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहले आप रोटी लेते हो, रोटी से सब्जी खाते हो,
फिर उसके बाद चावल से दाल खाते हो, ऐसे ही तो होता है प्रोसेस। अगर दूध भी रखा तो सबसे लास्ट में पीते हो, बोलो माया नाम। वैसे ही ये समझ लो आपका क्या है, खाना है। सबसे पहले क्या खाना है, लाइन को खाना है। उसके बाद किसको खाना है, छोटा प्लेकर, फिर मछला, फिर खाना है। तो खाने में तो मजा आती है, चलिए आ जाइए, खा गए फिर इसको 18 माइनस। अब देखिए जनाब यहाँ पे 8 भागे। अब एक बात याद रखना मेरे भाई, कि इन दोनों के बीच में कोई सब मतलब कोई निशान नहीं। तो कौन सा निशान, तुम तो स्मार्ट हो गए, तुम लोग इतना स्मार्ट है। चलो बहुत बढ़िया गुणा। अब आ जाओ इधर, 18 माइनस 8 भागे। अब देखो, अब पहले भाग दे दो, क्योंकि भाग और गुणा दोनों होता है, तो सबसे पहले भाग देते हैं ना भाई। तो 2 से 8 में भाग लगाओ, कितना आएगा, 4, 4 गुणे 1। अब देखो, अब चाहे तुरंत कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 18 माइनस 4 = 4 बराबर आ गया आपका कितना आंसर, 14, क्योंकि 18 में से 4 गट जाएगा, कितना आएगा, 14। तो ये तो था क्वेश्चन लगाने का तरीका, कि एक एक करके जैसे खाना अपन खाते हैं, वैसे एक एक करके बंदों को खाते जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, खाना खत्म, यानी आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का। चलो आ जाओ, अब नीचे आओ। अब हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, और स्मार्ट बनने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर कोई चीज है तो उसको कोशिश करो एक के बाद में सॉल्व कर लो। क्या करो, एक के बाद में सॉल्व कर लो। चलो आओ देखो, तो 25 - √12 यहाँ पे 5 + 18 + अब देखो, जब इसके अंदर आ गए, जब इसके अंदर आ गए तो देखो ध्यान से, कुछ लोगों ने यहाँ गलती की थी, कुछ लोगों ने यहाँ गलती की थी, माइनस माइनस के साथ जुड़ता है भाई, तो 5 × 3 माइनस का 8, माइनस का 8, और 4 - 8, 4 - 8 कितना आएगा। अब सुनो, जब दो निशान अलग अलग हो तो बड़े में से छोटा घटा लिया जाता है और बड़े का निशान घटा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4। बोलो हाँ या ना, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है डियर, तो नीचे आइए, नीचे आइए, आ जाएगा 25 - 12 - कितना, यहाँ पे 5 + 18। अब देखो यहाँ पे एक बात होगी जो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में सिखाई थी, वो बात क्या होगी, वो बात ये होगी कि प्लस और माइनस का गुणा, माइनस माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक समझ में आई बात, नीचे आ जाए। अब ये पूरी बात एक साथ ही सॉल्व कर लो, देखो प्लस प्लस के साथ जाएगा तो 18 और 5 = 23, और 23 में से 4 गया 19, यानी यहाँ पे आपका 19 होगा। ठीक है, हमने पहले लिख लिया, आपको ऐसे नहीं करना, आपको आराम से ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे आइए, 25 - ये हो गया क्या, अब 12 - अब ये प्लस है, देख लो अंदर कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा, माइनस 19, 19 में से 12 गया माइनस का 7, क्या होगा 25 - - 7, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 25 + 7 = 7 × 5 = 32, कितना 32, यानी आपका आंसर आता 32। कोई दिक्कत नहीं, मजा आया। अगला क्वेश्चन करें, जल्दी बताइए, चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, कुछ नहीं करना है, वही सारी प्रोसेस मेरे ख्याल से तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन इसको कर, क्योंकि भाई ये तो एकदम लल्लू छाप है, ये तो बिल्कुल लल्लू छाप क्वेश्चन है। बोलो हाँ ना, सब लोग अपने आंसर करेंगे, पक्का, चलो हम ये वाला कर देते हैं, आपको ये अपने मन से करना पड़ेगा। यूट्यूब पे जो सारे लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नीचे कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला पहले देख लीजिए, लास्ट वाला दिख तो आपको बहुत बड़ा रहा है, लेकिन बड़ा बड़ा थोड़ी है, बड़ा बड़ा थोड़ी है। चलो आ जाओ, 300 - √100 - 2 × 6 + यहाँ पे 14 / यानी भागे, कितना हो गया जनाब, इधर देखिए इसके अंदर में 14 ना, यहाँ पे आ गया 14, फिर ये गुणा 3, उसके बाद ये बंद, कोई दिक्कत, चलिए आ जाइए फिर से। और एक बात याद रखिए जनाब, बराबर के नीचे बराबर जरूर लगाइए, ये गणित लगाने के तरीके हैं। 300 - यहाँ पे आ जाइए, 100 - 2 /
यहां पे आइए 6 प्लस, अब यहां पे देखो तो 14 भागे 14 गुणे 3। बोलो भाई किसी कोई दिक्कत कुछ नहीं करते जा रहे भाई, एक एक चीज खाते जा रहे हैं बस। यहां पे आ जाओ 300 माइनस 100, 100 माइनस 2 का उसके बाद गुणा हो गया। अब इसके अंदर आ जाइए, पहले भाग करेंगे तो 14 में 14 से भाग किए एक आया, एक दिखे 3 6 3 9 पूरा एक साथ में सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ तो 300 माइनस 100 उसके बाद माइनस का 2 और गुणे 9 कोई दिक्कत। अभी पूरा एक साथ में खा लो, कैसे खाओगे 9 दुनी 18, 100 में से 18 गया 82 82 82 और 300 में से मेरे भाई 82 जब घटा दोगे, चलो इसको लगा भी दो, अब ये हो जाएगा 300 माइनस 82 कितना आ जाएगा 218। तुम लोग क्या बहुत ही स्मार्ट हो गए हो, 218। ये था आपका लगाने का तरीका, कोई दिक्कत। और सुनो हम तुम्हें कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि जिसकी मदद से तुम इसको डायरेक्ट लगाओ। इधर देखो डायरेक्ट लगाने का मतलब इतने स्मार्ट तो हो गए हो यार कि इसको यही कर देखो 5 3 तो माइनस का 8 है, माइनस 8 में से 7 गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 10 1 11 11 ना 20 माइनस 11 बराबर 9 और 25 में से 9 गया 16। इसका आंसर कितना आएगा 16। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, पहली बात ये कि लंबा मेथड भी लगा सकते हो, छोटे सवाल है तो ऐसे ही सारे के सारे यही सॉल्व करके यही लिख दो। तो कुल मिला के मेरा आज का ये तुम्हें समझाना था कि तुम्हें ब्रेकेट वाले क्वेश्चंस यानी गॉड मॉस में ही अभी ये चल रहा है। आपको हम शुरू कहां से किए थे, जोड़ घटाओ गुणा भाग से, लेकर कहां तक आ रहे हैं ब्रेकेट। अभी ऐसे भी क्वेश्चंस हमें लगाने हैं जो क्वेश्चंस कक्षा 8 और 9 में भी पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लास है ये आप ये मत मानिएगा कि केवल कक्षा 5 की क्लास है या 9 की तैयारी की क्लास है। अगर इस क्लास में कक्षा 8 तक के भी बच्चे बैठते हैं तो उनको भी घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं क्या बेसिक मैथमेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स तो सबके लिए जरूरी होती है, चाहे कक्षा 3 का बच्चा हो चाहे कक्षा 8 का। कोई दिक्कत, चलो। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए अब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी नोट्स में डाल लेना है और कल के लिए इंतजार करना है कि कल और जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके चलो।